सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी बोनस किंग कहे जाने वाले शेयर को लेकर, विप्रो। तो विप्रो ने अब तक अगर देखा जाए हिस्ट्री इसकी, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक बोनस दिए हैं भाई। और जिस भी आई ने भी स्टार्टिंग में पैसा लगाया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता है, तो विप्रो से बिल्कुल वाकिफ़ है, क्योंकि इसने इतनी बार बोनस दिए हैं और उसके बाद इतना रिटर्न मिलना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे एक और बड़ी खुशखबरी आई है। वैसे ये स्टॉक जो अभी पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो टूट रहा है, एक महीने में आप लोग देखो 4% के करीब डाउन आ चुका अभी। और दिग्गज आईटी सेक्टर की कंपनी है ये, और वहीं आप लोग देखोगे एक साल की बात करें तो 28% के करीब उछला है। और इसका जो मैक्सिमम हाई है आप लोग देखोगे लगभग 800 रुपये के आसपास, वहाँ से लगभग 28-30% के करीब जो शेयर है वो डाउन है। तो यहाँ से क्या ये आगे चलकर इसमें मौके बनेंगे? और एक बड़ी खुशखबरी फिर से आई है, बोनस किंग कहे जाने वाले शेयर ने एक बार फिर से बोनस को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या खबरें हैं, क्या नहीं है, क्या डेट रखी गई है, तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है 13 तारीख को, यानी कि आज के दिन में, ठीक है। और NSE BSE की साइट पर आप लोग इसको जो है भी चेक कर सकते हो जा करके, ठीक है। और साथ में आपको जो है भी NYSE की साइट पर भी ये मिल जाएगा, ठीक है, जो न्यूयॉर्क की है। तो चलिए एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है बोनस शेयरों को लेकर। कंपनी एक प्रपोजल रख रही है, ठीक है, और जहाँ पर जो है भी बोनस शेयरों के ऊपर चर्चाएँ होंगी, किस रेशो में बोनस दे रही है। तो ये बोर्ड मीटिंग रखी भी कंपनी ने, और ये बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो आप लोग देखोगे बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल तैयार किया गया 16-17 अक्टूबर, ठीक है, यानी कि 16-17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को इसका आउटकम आ जाएगा, ठीक है। किस रेशो में दे रही है, कितना दे रही है, कब दे रही है, तो ये हमें पता चलेगा 17 तारीख को। और किस रेशो में दे रही है, यानी कि जिस भी निवेशक के पास शेयर है तो उसको किस रेशो में शेयर मिलेंगे, तो ये कंपनी 17 तारीख को बताएगी। तो जैसे ही कंपनी इसके ऊपर अपडेट देगी वो हम सबसे पहले आपको जरूर बताएंगे भाई। तो बड़ी खुशखबरी आई है, तो चलिए एक्शन तो बनेगा शेयर में कल के दिन। तो चलो एक बार इसका चार्ट और देख लेते हैं, स्विंग ट्रेड में कैसे रहेंगे मूव और लॉन्ग टर्म में कैसे हो सकते हैं टारगेट। तो यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में हमें जो ना अभी इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, सॉरी ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ब्रेकआउट इसके अंदर आते हुए नजर आएगा ऊपर में, वो इस भाव पर आएगा भाई, ठीक है। ये देखोगे इस भाव को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है 550 को ऊपर में, तो इसके अंदर एक अच्छी जो अभी ऊपर में रीच बन सकती है, और लगभग ये शेयर ऊपर में उछल सकता है अभी 581, ठीक है, और ऊपर में 600 ये टारगेट हमें ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। और इसका जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट रहेगा नीचे में वो हम लेके चलेंगे अभी लगभग 512 का। तो 512 का सपोर्ट, पहला टारगेट 548 और दूसरा रहेगा 581। इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में कल के दिन एक अच्छा एक्शन बन सकता है, और वैसे भी मार्केट में एक बड़ी अच्छी रैली बनने की संभावना है कल के दिन। तो तैयारी रखना भी, जैसे कोई भी खबरें आएंगी वो आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।